सो कैसे आप लोग, आई होप आप सभी लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। सो आज की वीडियो हमारी होने वाली है कि आप अपने एंड्रॉइड फोन से अर्निंग करना चाहते हो, वो भी मीशो एप्लीकेशन के थ्रू। टोटल में मतलब आपके लिए इस वीडियो मिलने वाली है ए टू जेड किस तरीके से भाई मीशो एप्लीकेशन से अर्निंग करनी है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब किया फटाफट से कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए। उसके प्रोडक्ट को अपने फोन से आप ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर भाई क्या करना है भाई, अपने बैंक अकाउंट के लिए सबसे पहले आपको कनेक्ट कर लेना होगा। इससे बैंक अकाउंट को जोड़ने के बाद यहाँ पर आपके लिए फर्स्टली किसी भी प्रोडक्ट के लिए भाई रैंडमली उठा लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे वर्ड्स के लिए उठा लेता हूँ, 298 के हैं ये हमारे, तो 298 के वर्ड्स के लिए हमने उठा लिया है। और यहाँ पर मैं भाई बाय नाउ पे इसमें क्लिक करूंगा। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। दोबारा से मैं बाय नाउ पे क्लिक करूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ चुका है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जिस तरीके से आप इसको ऑर्डर करते हैं उस तरीके से आपको सारी सारी प्रोसेस कर देनी होगी। करने के बाद भाई जो कैश ऑन डिलीवरी कर देनी होगी, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कैश ऑन डिलीवरी सेट करने के बाद अब यहाँ पर भाई अर्निंग का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अब अर्निंग भाई किस तरीके से करनी है वो चीज मैं आपके लिए बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो भाई, रीसेलिंग का जो ऑर्डर, रीसेलिंग भी ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है। यानी रीसेलिंग होती क्या चीज है, रीसेलिंग का मतलब ये होता है, जैसे मान लो वो आपका कस्टमर है, ठीक है। कस्टमर क्या है भाई, वो आपसे कह रहा है कि हमारा ये प्रोडक्ट हमको ये मंगाना है, आप क्या ऑर्डर कर सकते हो, आप ये प्रोडक्ट मंगा सकते हो, ठीक है। आपकी कोई शॉप वगैरह है या फिर मान लो क्लॉथ वगैरह है, कुछ भी हो, ए टू जेड सारी चीज भाई मीशो मिलती है, आपको पता है, ऑनलाइन सारी चीज मंगा सकते हो, ठीक है। तो क्या उस बंदे ने आपको ऑर्डर दिया कि हाँ भाई आपको मतलब ये चीज मंगा सकते हो, तो आपको भाई कह देना होगा हाँ ठीक है मंगा देगा, आपने एड्रेस लिख के दे दीजिए, आपके एड्रेस पे ये चीज डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या वो अपना एड्रेस वगैरह टोटल इन्फॉर्मेशन लिख के दे देगा, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन आपको क्या है यहाँ पर डाल देनी होगी मीशो एप्लीकेशन में। जैसे आप मीशो एप्लीकेशन में वो इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, डालने के बाद अब यहाँ पर आपका क्या है भाई, जो भी भाई कस्टमर है उस कस्टमर के पास क्या, यहाँ से जैसे आप उसके उसपे जो उसकी डिटेल्स है, उसकी डिटेल्स पर आप वो डाल दोगे, ठीक है, ऑर्डर कर दोगे, तो उसकी क्या है जो डिटेल जो आपने डाली है उसकी लोकेशन पे भाई जो भाई डिलीवर बॉय है वो आप पहुंचेगा और अपना अमाउंट वगैरह लेगा और वो क्या है डिलीवर हो जाएगी। अब सेकंड स्टेप भाई यहाँ पर जो है वो यहाँ से आपको करना होगा। अब यहाँ से आपको अर्निंग करनी है, यहाँ से किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो वो चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो रीसेलिंग ऑप्शन है यहाँ पे आपको यस कर देना होगा। अगर आप खुद के लिए प्रोडक्ट ना मंगा करके किसी भी कस्टमर के लिए प्रोडक्ट मंगाते हैं तो यहाँ पे आपको यस कर देना होगा, ठीक है। यस करने के बाद अब यहाँ पर क्या है भाई, 298 का है ये, ठीक है। तो 298 से भाई एक्स्ट्रा अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हो, इतना अमाउंट डालिएगा कि हाँ कस्टमर को ये लगना चाहिए कि हाँ ये प्रोडक्ट क्या है, इतना महंगा मतलब ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है, मतलब ओवर प्राइस के हिसाब से नहीं है, बिल्कुल लिमिटेड है। तो यहाँ पर क्या है भाई, हम एक्स्ट्रा डाल देते हैं। जैसे हमारा 298 है तो यहाँ पर अगर हम 2 रुपए बढ़ाना चाहें या फिर हम 100 रुपए बढ़ाना चाहें वो यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे 398, ठीक है। 100 रुपीज का हमारा क्या मुनाफा हो जाएगा, तो 100 रुपीज का मुनाफा करेंगे तो यहाँ पे कर देंगे 398, ठीक है, 398। जैसे मैं 398 डाला तो यहाँ नीचे की साइड में देख सकते हो, यहाँ पर हमारा 0 लिखा आ रहा था योर मार्जिन में, ठीक है, योर मार्जिन में 0 लिखा आ रहा था, यहाँ पर हमारा 100 हो चुका है। क्यों, क्योंकि ये हमारा भाई क्या अर्निंग का वो दिखा रहा है, कितनी भाई साहब अर्निंग कर सकते हो भाई इस प्रोडक्ट से। तो यहाँ पर क्या आपने जैसे मतलब 398 डाला तो 100 रुपीज का आपका क्या है प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट जो है भाई, जैसे ही प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाएगा वहां से जब अमाउंट आप उसको डिलीवर बॉय के लिए मिलेगा, तो वहां से कंफर्म करने के बाद ये क्या है भाई इन्फॉर्मेशन आपके मतलब उसके कस्टमर केयर के पास पहुंचेगी, वो क्या करेगा आपका जो अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ये काम करेगा। यहाँ से आप रीसेलिंग इस तरीके से कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं ऐसे मेरे इसके साथ में।